अभी हम लोग जो महाराज जी से सूतक में भी भगवान की सेवा करना चाहिए इस विषय में श्रवण कर रहे थे, वो प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल मतलब अपने जीवन में, अपने व्यवहार में नित्य करने की बात है, ऐसा नहीं कि केवल सुनने की बात है। कुछ चीजें होती जो केवल सुनने से ही काम हो जाता है, जैसे भगवान का नाम सुन लिया, कीर्तन हो रहा है सुन लिया, कथा हो रही सुन लिया, तो सुनने से ही काम हो गया। सुनने से क्या काम होगा? श्रवणम हनति पापानि, श्रवण करने से ही पापों का नाश हो जाता है। इसी तरह नाम संकीर्तन श्रवण करने से भी पापों का नाश होता है, और मन निष्पाप हो जाता है तभी साधना भजन सही बनता है। वास्तव में श्रवण करना ये मन की खुराक है, श्रवण करना मन की खुराक है। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दो काम करते हैं, एक तो अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा पौष्टिक आहार चाहिए। अच्छा किसी को खूब बढ़िया बढ़िया आहार दो, बढ़िया से बढ़िया, उसको हलवा खिलाओ, बादाम का मेवे मिश्री, काजू बादाम खिलाओ, दूध मलाई खिलाओ, फल खिलाओ और रबड़ी रोजाना खाए। अब कहो कि बस आपको चलने फिरने की कोई जरूरत नहीं है, आप खाओ आराम करो, तो खाने पर क्या होगा, शरीर को बल तो मिलेगा, लेकिन ये जो ऐसे खाता रहे और आराम करता रहे तो एक शरीर वो जो है उसका पहले से अब ऐसा बिगड़ना शुरू करेगा कि साल दो साल जाते जाते बेडौल हो जाएगा बिल्कुल, वो उसको डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो क्या करना चाहिए उसको, उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, व्यायाम नाना रूप है उसके, कोई मॉर्निंग वॉक करने जाता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई दंड बैठक कसरत करता है, कोई योगासन करता है। ये सब क्या है, ये एक्सरसाइज है, किस लिए है, केवल पोषण से काम नहीं चलेगा, इसलिए व्यायाम करना ही पड़ेगा। ये किसकी बात मैंने किया, शरीर की बात, ये शरीर की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तन बिन वेद भजन नहीं वर्णा, तन के बिना वेदों ने भी भजन का वर्णन नहीं किया, बिना तन के भजन हो नहीं सकता। और भगवान जैसे भी महाराज जी बता रहे थे सेवा सूतक में भी करनी चाहिए, उस बात को मैं बता रहा हूं आपको कि लक्ष्मण जी महाराज सीताराम जी की सेवा चित्रकूट में कैसे करते थे, सेवई लखन सी रघुवीर जी में अविवेकी पुरुष शरीर। लक्ष्मण जी सीताराम की सेवा कैसे करते थे, सेवई लखन सी रघुवीर जी में अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे अज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर की सेवा में रात दिन लगा रहता है, मालिश करेगा, अच्छी अच्छी चीज खाएगा, बढ़िया से बढ़िया ढंग से अपने शरीर में ही लगा रहता है 24 घंटे, उसी तरीके से लक्ष्मण जी सीताराम की सेवा करते, अपने शरीर की नहीं करते। ये उपमा दिया है जिससे आप समझ जाओ। अब हम जैसे शरीर को, जो शरीर की अपनी सेवा में लगा रहता है, उसको दो काम करना पड़ता है, एक तो पौष्टिक आहार और फिर उसके बाद व्यायाम भी। केवल आहार से शरीर सही नहीं होगा, व्यायाम भी चाहिए। और यदि कोई केवल व्यायाम ही व्यायाम करता रहे रात दिन तो, और खाए नहीं, कहे नहीं नहीं कि हमको खाने की कोई जरूरत नहीं, हम तो दंड बैठक कसरत करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगासन करेंगे और हम उसी से ठीक रहेंगे, और दूसरे दिन ब्लड प्रेशर डाउन होगा, अगले दिन वो एडमिट होने की पोजिशन में पहुंच जाएगा, और फिर डॉक्टर यही करेगा, नहीं खाएगा तो ग्लूकोज चढ़ाएंगे तेरे ऊपर, नहीं खाएगा तो ग्लूकोज से पौष्टिक आहार देना पड़ेगा। तात्पर्य हमको पोषक तत्व भी चाहिए और व्यायाम भी चाहिए। अब आपको मेन जो टारगेट है हमारा, मुख्य लक्ष्य, उस पर ले चल रहा। इसी तरीके से शरीर को जैसे हम स्वस्थ रखने के लिए पोषक आहार,
और व्यायाम दोनों की अपेक्षा करते हैं, इसी तरीके से मन के लिए भी, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो अब हम अपने मन को कैसे स्वस्थ बनाएंगे, दो तरीका उसका भी, पोषक आहार और व्यायाम। मन का पोषक आहार क्या है? मन का पोषक आहार है रीडिंग, स्पीकिंग एंड थिंकिंग। ये पोषक आहार, रीडिंग का मतलब पढ़ना, जैसे गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ये पढ़ना, ये पोषक आहार हो गया। अब पढ़ने में ही श्रवण करना भी आ गया, किसी के आई साइट बहुत वीक है, पढ़ नहीं सकता है, भाई हम बैठ के सुन लेंगे, आप सुना दीजिए, तो एक व्यक्ति पढ़ने वाला हो गया, दूसरा व्यक्ति सुनने वाला हो गया, वो रीडिंग में ही आ गया। वही आप बाद में जो पढ़ लिए वही आप दूसरों को सुनाइए, स्पीकिंग हो गया। थिंकिंग अर्थात उसको मनन करना, आलोचन करना, निर्ध्यासन करना, विचार करना, ये मन के आहार हुए। मैंने भी बताया था कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल आहार ही पर्याप्त नहीं होता, व्यायाम भी चाहिए। इसी तरीके से पढ़ना, श्रवण करना, कीर्तन करना, सुनाना, विचार करना, ये तो आहार हुए मन के, लेकिन इसका व्यायाम क्या है? मन का एक्सरसाइज क्या है, व्यायाम क्या है? आप अपने टाइम से जप करिए, पाठ करिए, सुनिए, सुनाइए, विचार करिए, ये तो हो गया। अब इसके बाद इसका एक्सरसाइज है, बैठ करके आंख बंद करके ध्यान करिए या जप करिए, तो प्रभु का रूप ध्यान करते हुए जप करिए या प्रभु की लीला का चिंतन करिए। अभी तक वो था बाहर, बाहर मुंह से बोल रहे थे, कान से सुन रहे थे और अपने ब्रेन से विचार कर रहे थे। अब वो अंदर हुआ, अंदर कैसे हुआ? अब उसको ध्यान कर रहे हैं, रूप ध्यान, लीला चिंतन और सुमिरन। अब जाकर के मन को पौष्टिकता के साथ साथ व्यायाम का भी लाभ मिलेगा। जब हम दोनों तरह से साधना करते हैं, अर्थात मन को आहार भी देते हैं और मन को ध्यान का आराम भी देते हैं, तब नींद के आराम की जरूरत धीरे धीरे कम होती है। ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो ध्यान में, भगवान के दर्शन में इतना आनंद विभोर रहते थे कि उनको नींद बहुत कम आती थी और उनसे डिप्रेशन नहीं होता था। ऐसा नहीं कि नींद उनको नहीं आती थी तो ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता था, ऐसा कुछ नहीं। वो उनके मन को आराम मिल गया, मन को खुराक मिल गई। भक्तों, अभी हम धाम की चर्चा कर रहे थे, अब धाम की बात तो आपने सुन लिया, चित्रकूट, अयोध्या और वृंदावन, लेकिन हम उसको ऐसे आपको समझा रहे हैं कि जिससे आप और अच्छी तरह समझ जाए। अब कोई व्यक्ति भजन, ध्यान, सुमिरन, सेवा में लगा हुआ है तो उसके शरीर पर ही नहीं, वहां व्याप्त आवेश वातावरण सब जो है वह आविष्ट हो जाता है, आवेश युक्त हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा मीराबाई का शरीर तो ऐसा दिव्य हो गया था भगवान की भक्ति से कि वह हार मांस का शरीर स्वयं द्वारका नाथ के शरीर में ही विलीन हो गया। यहां कोई भी साइंस या साइंटिस्ट इसका सलूशन नहीं निकल पाएगा, कोई आंसर नहीं दे पाएगा कि वह हार मांस जो था वो कहां चला गया। शरीर तो मनुष्य का ही था, चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में जाकर विलीन हो गए, कीर्तन करते करते गले मिले और कुछ नहीं, और स्वयं भगवान रामानंद भी तो उससे शरीर गए थे। तुकाराम, नामदेव, श्री नरहरन, स्वामी योगानंद जी, सुखानंद जी, पिताजी, ये द्वादश महाभाग में होंगे गुरुदेव भगवान के, किसी का भी शरीर नहीं मिला था। कबीरदास जी तो आप लोगों ने भी सुना होगा,
कि हिंदू मुसलमान आपस में कहने लगे हम ले जाएंगे, हम इनका बनाएंगे, पीर बनाएंगे, पैगंबर हमारे हैं, कोई कहता था हम समाधि बनाएंगे, कोई पीर बना रहा है, कोई समाधि बना रहे हैं, ले तैयार है। उन्होंने कहा कि झगड़ा मत करो, जब शरीर मेरा छूट जाएगा तो बांट लेना जैसे चाहे उसे कर। और जब वो लेट गए और फिर बोले कि चादर से ढक दो, जब आकाश में घंटे की आवाज आवे और सुगंध प्रकट हो तब चादर हटाना। महाराज द्वादश महाभागवतों में प्रहलाद जी थे वो, और जब आकाश में घंटे की आवाज आई और सुगंध चारों तरफ फैली, उस समय सब लोगों ने जब चादर उनका हटाया तो कबीर दास जी के शरीर की जगह फूल ही फूल बन गए। मन की साधना जो है, मन को पोषण और मन को व्यायाम जो करते हैं, अर्थात भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, सेवा करते हैं, उससे शरीर भी, मन तो शुद्ध हो ही जाता है, शरीर भी शुद्ध हो जाता है, और यहाँ तक कि वहां जो आता है वो भी पवित्र हो जाता है। महाराज के पुराण में वर्णन है कि शंकर पार्वती जा रहे थे, उन्होंने देखा पार्वती माता ने कि शिव जी उतरे और एक जगह जमीन पर लौट कर प्रणाम किए साष्टांग। पार्वती माता ने कहा प्रभु यहाँ तो कुछ भी नहीं है, किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले देवी 1000 साल पहले यहाँ एक मंदिर था, 1000 साल पहले था मंदिर, और यहीं पर जो संत मंदिर बनवाए थे भजन करते थे, बहुत से संत लोग सब प्रभु का ध्यान सुमिरन भजन कीर्तन पाठ पूजा करते थे। ये धरती इतनी पवित्र है कि वो 1000 साल पहले वाला प्रभाव आज भी है, इसलिए इस धरती की पवित्रता ने मुझे खींच लिया और मैं उतर गया और प्रणाम कर लिया। शिव पार्वती पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हुए दर्शन करते हैं भगवान की लीला। एक दिन फिर पार्वती माता ने देखा शिव जी पुनः एक जगह निर्जन में उतरे और फिर प्रणाम किए। पार्वती ने पूछा महाराज यहाँ क्या है? बोले यहाँ हाय नहीं है, होगा। क्या होगा? बोले 500 वर्ष बाद एक संत आएंगे। देखिए हम लोग जो हमारे सामने रखा वो देखते हैं, क्योंकि हम लोगों की मेधा बुद्धि बहुत कम है, लेकिन परमात्मा तो त्रिकाल के होते हैं, वो भविष्य को भी वर्तमान रूप देखते हैं और भूत को भी वर्तमान रूप देखते हैं। तो शिव जी ने कहा देवी पार्वती 500 वर्ष बाद एक संत यहाँ आकर के भजन करेंगे और यहाँ बहुत सुंदर मेरे प्रभु का मंदिर बनेगा और यहाँ सब भक्त लोग भगवान का नाम गायन करेंगे, विनती करेंगे, ध्यान पूजा करेंगे, भंडारा करेंगे, प्रसाद वितरण होगा और सबको आनंद मिलेगा। तो जो 500 वर्ष बाद आनंद लोगों को मिलेगा मेरी आंखों में वो दृश्य अभी आ चुका है, इसलिए मैं इस जगह को प्रणाम कर रहा हूं। मैंने दो उदाहरण दिया, एक जो भूतकाल का था, एक जो भविष्य में होना है। अभी दो संतों की बात ऐसी सुनाई कि जो भगवान प्रणाम कर रहे हैं शिव जी। अब आप जरा विचार करो, श्री वृंदावन धाम में लाखों संतों ने इस प्रकार से भजन किया होगा, दो नहीं, दो संतों ने नहीं, लाखों लाखों संतों ने। अब धाम तो प्रभु का है ही, लेकिन जब दो संत हो या एक संत की भजन संघ को शिव जी प्रणाम करते हैं तो यहाँ तो लाखों लाखों संतों ने भजन किया है, पूजा किया है, ध्यान किया है, जप किया है, तो फिर ये कितना पवित्र जगह है। इसलिए धाम की अनंत महिमा रखो, धाम वास करने से भी लाभ मिल जाता है, जो नहीं भजन करते हैं वो उनको भी धाम महाराज की कृपा मिलती है। किंतु किष्कंधा कांड के प्रारंभ के मंगलाचरण में तुलसीदास जी कहते हैं धन्यास्ते कृतिना विमंति सततम श्री राम नामामृतम। धाम वैसे धाम में रहने वाला धन्य है, लेकिन वो परम धन्य है धाम में रहने वाला। कौन? धन्यास्ते कृतिना, कृतिना का क्या हुआ? पुण्यात्मा। वैसे पुण्यात्मा वो भी जो वृंदावन में रह रहा है भजन नहीं करता, वो भी पुण्यात्मा।
आप उसका बोझ मत कथन करना। धाम में आए हो तो ये मत करना, अरे धाम में तो रहते लेकिन भक्ति नहीं करते। उसका भी इतना पुण्य था कि भगवान उसको यहाँ रहने योग्य समझे, इसलिए बुला के कहीं तुम यही रहो। लेकिन अब उस व्यक्ति का पुण्य कितना बड़ा है कि धाम में भी रह रहा है, उसको प्रभु के प्रिय भक्त तुलसीदास जी कहें धन्य है वो, धन्य महान धन्य धन्यास्ते कृति न, वो सुकृति वो पुण्यात्मा धन्य है। विवंती सततम श्री राम नामामृतम, राम जी का नाम जो प्रेम से पान कर रहा है। पान करने का क्या मतलब हुआ? पान करने का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल बोल ही रहा है, नहीं, वो बोल तो पूछ रहा है और पान कर रहा अपने कानों से। अपने कान पान के लिए पात्र होता है, कोई भी बर्तन हो, दोना हो, गिलास हो, कटोरी हो, उसमें लेकर के चरणामृत पान करते हैं, पंचामृत पान करते हैं। ऐसे अपने कानों को पान पात्र बना करके जो प्रभु के नाम का रस पान कर रहा है वो व्यक्ति धन्य है। धाम महाराज की कृपा होती है, प्रभु के धाम में रहने पर एक तो भजन करने की बात आई, दूसरी बात एक ही समझी। देखिए छोटे छोटे हॉस्पिटल में इनकी भी लाइट है और ये जो सामने हमारे फोकस की लाइट चल रही है इसकी भी लाइट है। अब दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं है, एक में इतनी लाइट है कि वस्तु को दिखलाई पड़ जाएगी और एक में इतनी तेज लाइट है कि वो नहीं देख पाओगे और उसके सामने सबको देखो, इतनी तेज रोशनी। तो क्या उसमें दूसरी बिजली आ रही है, इसमें दूसरी बिजली आ रही है? विद्युत वही है, जो विद्युत उसमें वही विद्युत उसमें छोटे बल्ब में भी। फिर इसमें इतनी रोशनी क्यों है? क्योंकि ये अधिक वाट का बल्ब लगा है। इसी तरीके से भगवान तो वही है जो महाराज जी के हृदय में बैठे हैं, भगवान वही हम आप सबके हृदय में बैठे, ऐसा भय निकला था भगवान। तो कहीं उनका प्रकाश ज्यादा हो रहा और कहीं प्रकाश कम हो रहा, क्यों? वो श्रद्धा का बल्ब जितने अधिक वाट का तुम्हारे अंदर होगा उतना ही भक्ति और ज्ञान का प्रकाश होगा। गुरु के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा, इस श्रद्धा का बल्ब, श्रद्धा का बल्ब जो है वो जितने अधिक वाट का होगा, तात्पर्य आपकी श्रद्धा जितनी ऊंची होगी उतना ही ज्ञान का और भक्ति का प्रकाश आपको अधिक मिलेगा। लेकिन भक्तों हम लोग इतने गड़बड़ होते हैं अधिकतर कि वैसे तो रोजाना बड़े श्रद्धावान रहते हैं और जब परीक्षा का समय आता है श्रद्धा का बल तुरंत फेल, तब पता चलता है कि श्रद्धा कितनी कमजोर है। वैसे तो हम दुनिया के सबसे बड़े श्रद्धावान अपने को समझते हैं, लेकिन जब हमारे लगता है अरे कैसे हो गए, कैसे हो गए, हम तो भगवान को सुन रहे थे कि हम भजन करते तो जो चाहे वो सब करेंगे, हमको भूख नहीं, तो इसका मतलब भगवान बेकार के हो गए या गुरु जी ने हमारी बात नहीं मानी। कैसे गुरु की भक्त की बात नहीं मानती? अब गुरु जी महाराज को मात्र डायबिटीज है, अब डायबिटीज है तो उनको तो मीठा खिलाओगे तो उनके लिए तो जहर हो गया। लेकिन कोई एक भक्त था बड़ा बेवकूफ टाइप का भक्त, उसकी श्रद्धा मैं अच्छी नहीं मानूंगा इसलिए मैं बेवकूफ कर रहा हूं। श्रद्धा तो उसकी अच्छी तब मानी जाती कि जो गुरु महाराज से कह देता कि गुरुदेव आज मैं आपके लायक प्रसाद नहीं ले पाया, मिठाई लाया इसलिए मैं आपको नहीं कहूंगा खाने के लिए क्योंकि आपको तकलीफ होगी, तब तो समझदारी की बात थी। लेकिन वो कह महाराज जी थोड़ा तो खा लीजिए, थोड़ा तो खा लीजिए, थोड़ा खाने से कुछ नहीं निकल जाएगा। अब उन्होंने थोड़ा सा लड्डू उसका लेकर खा लिया। अब दूसरा आया वो भी अपने को बड़ा भारी भगत समझ रहा है, उनका आपने खा लिया मेरा नहीं खाएंगे, उनका आपने खा लिया तो इसका मतलब आप उन्हीं को चाहते हैं, मुझको नहीं चाहते हैं, मुझको नहीं चाहते हैं, रोना भी शुरू।
मुझको नहीं चाहते इसलिए मेरा लड्डू आप नहीं खा रहे। ला दिया तेरा भी खा ली, अब उसका भी खा ली, अब तीसरा जो अब तक बैठा हुआ था बोला जब दो तो खाए तो मेरा भी खाएंगे। अब वो कह रहा महाराज जी मेरा लड्डू बहुत अच्छा घर का बना हुआ घर का, अरे एक तो खाइए। अब उन्होंने कहा अब तो आफत आई मेरे ऊपर, अब वो एक खा लिया, अरे महाराज एक तो कृपा करके मेरी ओर से खा लीजिए मेरी ओर से। मतलब ऐसी श्रद्धा है कि गुरु जी आज ही मर जाए भले ही, लेकिन वो मेरी लाई हुई मिठाई खाए जरूर। तो ये क्या है, ये श्रद्धा थोड़े, श्रद्धा की परीक्षा जब होती तो फेल हो जाते हो। जब तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा होती है तब तुम अपनी बुद्धि को बड़ा बताते लगते हो, अपने विवेक को गुरुदेव के सम्मुख बहुत बड़ा समझते हो और गुरुदेव को मिट्टी के बराबर समझते हो। तब समझ लो कि तुम्हारी श्रद्धा इतनी घटिया है कि ज्ञान और भक्ति का प्रकाश तुमको मिलना नहीं है, बस इसी ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े में ही जिंदगी खराब करोगे। अपने स्वार्थ का बलिदान करो और गुरुदेव या श्री भगवान दोनों के प्रति जिसकी सेवा में लगे हुआ वैसे दोनों की सेवा करनी है। भगवान की सेवा तो अंदर से भी कर लोगे, गुरु की सेवा तो बाहर से भी करनी पड़ेगी। तो उस समय आपको उनके सुख का ध्यान करना है। सब सुखे सुखे त्वम, नारद भक्त सूत्र में नारद जी कहते हैं तत् सुखे सुखे त्वम, अर्थात उनके सुख को अपना सुख मानोगे तब सेवा होगी, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारी भक्ति में बाधा बन जाएगा। और महाराज वैसे तो वो परमात्मा है, हम उनके एक बहुत छोटे अंश हैं, हमको भक्ति उनकी करनी ही चाहिए, हम भक्त साधक लोग हैं। लेकिन एक व्यावहारिक बात मैं बताऊं तो कृष्ण और राम, आज राम का जन्मदिन है और हमारे ठाकुर जी का भी जन्मदिन है जो मंदिर में विराजमान है। आज से ठीक 12 वर्ष पहले मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हुए थे, पिछले आज उनका जन्मदिन और अयोध्या में राम जी का जन्मदिन। तो मैं अब तक तो भक्ति की बात कर रहा था, अब मैं ऐसी कुछ बातें आपको बता रहा हूं जो सामान्य दृष्टि से लोग देखते हैं, उनके गले उतरने वाली बात बता रहा हूं। ये राम जी के चरित्र को या भगवान कृष्ण के चरित्र को आप देखेंगे तो आप देखेंगे उनके जीवन में कितने उत्कर्ष उत्कर्ष हुए हैं और परिस्थितियों से उन्होंने कोई भी अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने दिया। राम जी को देखिए, चक्रवर्ती नरेश के लड़के हैं। परमात्मा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं चक्रवर्ती नरेश के पुत्र के रूप में। और प्रसन्नता व्यानगता अभिषेक तथा ममले वनवास दुखता, अयोध्या कांड में आप लोग पढ़ते हैं मंगलाचरण में लिखा हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं जिनका अभिषेक होना था राज्याभिषेक और राज्याभिषेक की जगह वनवास हो गया, न ममले वनवास दुख कर, उनके मुख पर मलिनता नहीं आई वनवास की बात सुनकर, और राजा बनाए जा रहे थे उससे प्रसन्नता नहीं। राज्य कार्य प्रजा की सेवा के लिए सोच करके अपनी अत्यंत प्रिय जानकी का परित्याग करना पड़ा है, आज कोई कर सकता है? और जनता के सुख के लिए, मैं जरा ऐसी बातें कर रहा हूं जो सामाजिक, और जनता के सुख के लिए भगवान श्री राम जानकी का परित्याग करते हैं, कितना कष्ट सहा प्रभु ने। लगभग 11,000 वर्ष तक सीता के बिना अकेले राम जी रहे हैं, और जैसे सीता जंगल में धरती पर सोती है ऐसे खुद धरती पर सोते थे। तो राम जी की बात है, अब अपने कन्हैया की बात सुन लो। भैया परमात्मा दुखों में भी प्रसन्न रहे हैं, हम दुख में रोते हैं और गुरु को भी गाली देते हैं भगवान को भी गाली देते हैं। यदि भक्ति हम करते हो और हमारे जीवन में थोड़ा दुख आ जाए तो गुरु को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, भगवान को भी उल्टा सीधा बोलते हैं।
और भगवान दुखों में भी प्रसन्न। अब आप ख्याल से सुनो, किसी गरीब से गरीब गए गुजरे मजदूर के बच्चे का भी जन्म जहां नहीं होता होगा वहां हमारे श्याम सुंदर का जन्म हुआ। अरे मजदूर के बच्चे का जन्म उसकी झोपड़ी में तो होता होगा, एक गरीब मजदूर के बच्चे का जन्म उसके झोपड़ी में, भले ही पक्का मकान नहीं, झोपड़ी में तो होता होगा। और कृष्ण का जन्म कहां? जेल के अंदर। अब आगे देखो, जिसने जन्म दिया लेने के बाद माता पिता दोनों का विरोध हटा दिया गया बच्चे को, और फिर उसके बाद महाराज दोस्ती, राजा के बच्चे की दोस्ती राजा के मिलने जुलने वालों से होती है, शेखों के बच्चों की दोस्ती शेखों से होती है, ऐसे होता है। लेकिन वहां राजा के बच्चे होने पर भी उनकी दोस्ती किससे हुई? ऐसे बाल सखा मिले जो सब गरीब, छोटी जाति के अधिक थे और सब गरीबों के बच्चे, जिनके घर खाने तक को नहीं था, रो रो करके कहते हैं गोपाल भूखे हम बैठे हैं, कुछ खिला दो दे, हम कहां चला चल चोरी कर चलाते हैं। अपने लिए चोरी नहीं किया, अपने लिए कभी नहीं चुराया, घर में भरा पड़ा क्या करेंगे चोरी करके। जन्म हुआ ऐसे दुख की जगह, माता पिता भी छूट गए और ऐसे गरीब लोगों से दोस्ती हुई और बदनामी सिर पर लिया, चोर चोरी का कल माखन चोर, बदनामी सिर पर लिया और फिर भी सेवा कर रहे हैं, जो मांग रहा है उसी के लिए ले आ रहे हैं, खिला रहे हैं, चोरी कर करके खिला रहे हैं, अपने लिए चोरी नहीं कर रहे हैं। भक्तों, और यदि आप लोग भक्त हैं तो आप सब जानते ही हैं कि महाराज जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया था कृष्ण ने, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया था उन राधा रानी से भी वियोग का दुख सहना पड़ा है। एकमात्र सर्वाधिक जिससे प्रेम था उन श्री राधा जी से भी 11.5 साल की अवस्था में हमेशा के लिए 100 वर्ष के लिए वियोग का दुख झेलना पड़ा है। बताओ दुखों की श्रृंखला लागू हो गई। मां बाप जो जन्म देने वाले थे उनसे वियोग तो हो ही गया था जन्म लेते ही, अब जिसने पालन पोषण किया था नंद बाबा यशोदा मैया, पालन पोषण करने वाला माता पिता महाराज, उनसे भी वियोग हो गया। पहले तो माता पिता से वियोग हुआ, अब जिन्होंने पालन पोषण किया उनसे भी वियोग हो गया, उनसे भी जाना पड़ा दूर। इतना ही नहीं, दुखों की लाइन लगी है कृष्ण के जीवन में और फिर भी प्रसन्न और सबकी सेवा में लगे। और जब पहुंचे हैं द्वारकापुरी, विवाह होता है तो विवाह में क्या हुआ? भयंकर लड़ाई, झगड़ा, लड़ाई, झगड़ा, लड़ाई, यही चले। और महाराज जब महाभारत के युद्ध में गए, प्रभु ने दूत बन करके खूब समझाया है कि युद्ध न हो, बहुत प्रयास किया रोकने का, फिर भी युद्ध हुआ। तो जानते हो राजस्थान में एक संत रहते थे उत्तंक ऋषि, जिनके नाम से उत्तंक बादल होते हैं, राजस्थान में वर्षा होती, महाभारत में लिखा। उन्होंने हाथ में जल ले लिया था श्राप देने के लिए कृष्ण को, इस बात से कि तुम चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, तुमने करवाया इसलिए सब मारे गए। क्या अभिप्राय हुआ? इतना प्रयास करने के बाद भी जब युद्ध नहीं रुका तो सारा कलंक वो कृष्ण के मन में। यही बात गंधारी ने भी कहा कि कृष्ण तुम चाहते थे नरसंहार नहीं होता और तुमने नहीं रोका इसलिए सब हुआ है, ये कलंक तुम्हारे माथे पर, इसलिए मैं श्राप दूंगी। श्राप दे दिया, गंधारी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश का विनाश होगा। अरे महाराज ये सब तो थोड़ा दूर के रिश्ते के लोग थे, पास के नहीं थे। सगा और बड़ा भैया बलराम, सगे भाई और बड़े भाई बलराम जी, वो बलराम जी
जब दुर्योधन मारा गया तो कृष्ण को बहुत डांटे और ये कहा बलराम जी ने कि कन्हैया तूने अन्याय पूर्वक मरवाया इनको। दुर्योधन को अन्याय पूर्वक मरवाया, नहीं तो गदा जो जान पर नहीं मारनी चाहिए थी, कमर के ऊपर मारी होती। भगवान ने बहुत समझाया कि जिस अन्याय को मारा गया उसको तो देखो, इसने तो पूरे जीवन अन्याय किया, इसने तो कभी न्याय किया ही नहीं, सबके साथ अन्याय किया। कृष्ण ने कहा कि जब दानवीरता का महान गुण, दानवीरता का महान गुण है दैवी संपदा में विवेचन किया गया 16वें अध्याय में गीता जी, जब दानवीरता का महान गुण कर्ण का रूप धारण करके अधर्म का साथ देने लग जाता है, दानवीरता का महान गुण कर्ण का रूप धारण करके अधर्म दुर्योधन का साथ देने लग जाता है, और जब ब्रह्मचर्य का महान गुण पितामह का रूप धारण करके अन्यायी दुर्योधन का साथ देने लग जाता है, और जब गुरुत्व और आचार्यत्व अपनी गरिमा को भूल करके और दुर्योधन जैसे अधर्मी का साथ देने लग जाता है, तो उस दानवीरता, दानशीलता, ब्रह्मचर्य और गुरुत्व का नाश करने के लिए मैं महाभारत का युद्ध करता हूं। क्योंकि ये सभी वास्तव में धर्म के लिए, और नहीं तो भीष्म पितामह, दानवीर कर्ण और द्रोणाचार्य को भगवान मरवाते क्या? लेकिन ये सब के सब अन्यायी हो गए, और उल्टा दोष बलराम जी ने कृष्ण के ऊपर लगाया कि तूने अन्याय पूर्वक दुर्योधन को मरवाया। भगवान ने कहा ऐसे अधर्मी को जैसे भी मारा जाए ठीक है, लेकिन महाराज बलराम इतने नाराज थे कि कन्हैया का साथ छोड़ के चले गए, कृष्ण का साथ छोड़ के बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, नैमिषा में गए, नैमिषा से फिर नेपाल गए, फिर वहां से जनकपुर गए, ये सब भागवत वर्णन। तो मैं ये बता रहा था कि इतना विपरीत परिस्थितियों में रहने पर भी भगवान कृष्ण सबकी सेवा करते हैं और कभी दुखी नहीं। महाभारत में भी गीत गा रहे हैं, अर्जुन तो रो रहे, अर्जुन तो रो रहे हैं और कृष्ण गा रहे हैं। गीता का मतलब गाया हुआ छंद, भगवान ने गा गा करके सुनाया, ऐसा नहीं कि वो बोला हो, गा गा करके सुनाया। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत इसका अर्थ ये होता है। तो जब हमारे ठाकुर जी विपरीत परिस्थितियों में इतने प्रसन्न होते हैं तो हम उनके कैसे भी गए गुजरे सही हैं तो उन्हीं के भक्त, इसलिए विपरीत परिस्थिति में घबराओ नहीं, और न भगवान को दोष दो, न अपने गुरु को दोष दो, अपना प्रारंभ समझ करके मस्ती से भजन करो। भक्तों यदि सत्संग को डाइजेस्ट करोगे, सत्संग को यदि पचाओगे तो साधना करोगे, और जानते हो सत्संग का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है, ऐसा नहीं है कि केवल माला जप करने का ही सत्संग में उपदेश मिलता है, ऐसा नहीं है कि केवल ध्यान करने का ही उपदेश मिलता है, हमारे व्यवहार में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे परिवार के जो मेंबर हैं वो चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, भाई भाई बहन हो, उन सबके साथ हमारा सत्संग का बर्ताव दिखलाई पड़ना चाहिए, बर्ताव मतलब स्वभाव में वो आ जाए, लेकिन होता उल्टा है, हम प्रभाव दिखलाते हैं, स्वभाव नहीं दिखला, प्रभाव। अरे जी हमारा तो उसके साथ परिचय है, उस वो जो है इतना बड़ा मंत्री है या इतना बड़ा अधिकारी है, वो तो मेरे घर चाय पीने आता है, ये दिखाते हैं, अपना स्वभाव महान बनाना दिखा पड़ता है। और संत लोग ये करते, संत लोग प्रभाव नहीं दिखलाते, महाराज ऐसे ऐसे संत हुए जो एक क्षण में नाश कर सकते थे, जैसे विश्वामित्र जी, लेकिन उन्होंने किसी एक भी राक्षस को नहीं मारा, अपने भजन में लगे, क्योंकि संत का स्वभाव प्रभाव नहीं दिखलाते।
संत अपना स्वभाव दिखलाते हैं, और जब संसार में रचा पचा अभक्त व्यक्ति होता है वो अपना प्रभाव दिखलाता है, स्वभाव उसका बड़ा उल्टा सीधा होता है। तो हमारे व्यवहार में भी सत्संग आए, क्योंकि उसका क्षेत्र सीमित नहीं होता, सत्संग का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, वो हर जगह व्याप्त होना चाहिए, तब हमारा मनुष्य जीवन का महत्व बढ़ेगा। भक्तों एक बात और समझिए, जो चीज हाथ से जाने लग जाती है तब उसका महत्व समझ में आता है। जब तक हाथ में रहती है, जब तक सामने रहती है वो चीज, भगवान को स्नान कराने के लिए तैयारी करिए पुजारी जी, अखिलेश जी और पुजारी जी, भगवान शालिग्राम को और लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं, 12 बजे आरती होगी, केवल 10 मिनट रह गए हैं, ठाकुर जी को स्नान कराइए जिससे ठीक 12 बजे आरती हो, और भोग भी उसके साथ ही साथ लग रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि जो वस्तु हमें उपलब्ध है वो जब तक है तभी तक उसका लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, जब चली जाएगी तो क्या लाभ प्राप्त कर लोगे, फिर तो हमारे सामने एक रहता है, एक विषय रहता है पश्चाताप का, जो मौका था वो व्यक्ति था वो वस्तु थी और उसका लाभ हम उठा नहीं पाया, वो चला गया, तब उस चीज का महत्व समझ में आता है। आप जो समझिए जैसे पानी के अंदर मछली है, अब मछली को तुम कितना ही पानी का गुणगान करो और समझे गए तो कोई नॉर्मल बात नहीं, कोई खास बात नहीं, लेकिन उसी मछली को तुम पानी के बाहर निकाल के रख दो थोड़ी देर के लिए महाराज, तब उस मछली को पता चलता है कि पानी का कितना महत्व होता है। मछली को पानी से बाहर निकाल के रख दो तब पता चलेगा कितना महत्व होता है पानी का। ऐसे ही मनुष्य शरीर जो हमको आपको इस तरह से सुलभ हुआ है तो हम समझते अजी तो सबको ही प्राप्त, सबको प्राप्त नहीं है, ये हम लोगों के ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। शरीर तो भगवान का दिया हुआ है, मन भी हमको दिया है, अब उस मन को हम यूटिलाइज करें भक्ति में तो आपकी मान्यता उसे कहा जाए। हम मन से मानी हुई चीज को मान्यता ही तो कहते हैं, भले उसको फैक्ट न मानते हैं, लेकिन वो फैक्ट से ज्यादा क्रिएटिव होती है, फैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मान्यता। अरे भगवान के उदाहरण में दें तो आप समझ लेंगे कि वसुदेव देवकी के पुत्र हैं और पालन पोषण किया नंद बाबा ने यशोदा मैया ने, तो यशोदा माता अपना पुत्र मानती, नंद बाबा अपना पुत्र मानते हैं, हैं नहीं उनके पुत्र, कृष्ण जो है नंद बाबा के यशोदा के पुत्र है नहीं, लेकिन मानते हैं मन से पक्का मानते हैं, और उस मान्यता का फैक्ट से भी ज्यादा महत्व हो गया। आज भी कृष्ण को नंदलाल कहा जाता है, वसुदेव नंदन बहुत कम कहे जाते हैं, यशोदा मैया के बेटे ही कहे जाते हैं, नंद के बाबा नंद के बेटे कहे जाते हैं। नंद और यशोदा ने अपनी मान्यता के अनुसार उनको अपना बना लिया। इसी तरीके से हम लोग भी यदि भगवान को किसी रिश्ते से अपना बनाए, चाहे वो बेटा माने, चाहे स्वामी माने, चाहे सखा माने, चाहे प्रियतम माने, आपके भाव के अनुसार, तो वो हमारी मान्यता इतना अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी कि वहां एक इमोशनल रिलेशन हो जाएगा, भावनात्मक संबंध हो जाएगा। भावनात्मक संबंध का लाभ क्या मिलेगा, व्यवहार में आप देख लीजिए, जहां पर इमोशनल रिलेशन नहीं होता वहां कोई भी काम करना पड़े तो हमें लगता है कि फिजूल की मेहनत करवा रहे हैं। किसी के लिए कोई काम करना हो और कोई इमोशनल रिलेशन ना हो, कोई भावनात्मक संबंध ना हो, तो घंटा दो घंटे के बाद हाथ जोड़े बोले हमारे पास टाइम नहीं है भाई, क्या कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं भाई, हमको घर में कुछ काम हम जा रहे हैं, देखो भाई हम नहीं कर पाएंगे, हमने 5 मिनट टाइम आपको दे दिया, बस इतने ज्यादा नहीं दे पाए, क्यों, क्योंकि वहां भावनात्मक संबंध नहीं है। और जहां हमारा
इमोशनल रिलेशन होगा, भले मेरे द्वारा माना हुआ हो, जैसे पति पत्नी का होता है, प्रिया प्रीतम का होता है, किसी को पहले पता है कि कौन पत्नी होगी कौन पति होगा, पहले कुछ नहीं मानता कोई, न वो उसकी बात मानती न वो उसकी बात मानता है, लेकिन जिस दिन भावनात्मक संबंध हो गया, बस उसके लिए उसके बाद एक दूसरे के लिए प्राण अर्पण करने को तैयार, जमीन जायदाद सारी संपत्ति अपने बेटे के लिए बेटी के लिए अपने परिवार के लिए बेच देते हैं लोग, और कष्ट नहीं होता हूं, और भगवान के लिए पैसा बचता ही नहीं तो खर्च क्या करेंगे, सब कुछ अपने काम में खर्च करते हैं, और बोलेंगे चाहे बच्चा कितना ही हो, ये बोलेंगे भाई हमारे पास बचता नहीं इसलिए हम ये सब में नहीं, हम विश्वास नहीं करते इन सब चीजों। तो जब हमारा इमोशनल रिलेशन वास्तव में हो जाता है, तब हम वास्तव में क्रिएटिव मतलब क्रियाशील हो जाते हैं, और तभी हमको हर चीज में भगवान की सत्ता दिखलाई भी पड़ने लग जाती है। भक्त जो होता है भगवान के साथ संबंध से जुड़ा होता है, वो जहां जहां जाता है उसे हर जगह भगवान ही दिखलाई पड़ते हैं, और भगवान ही उस चीज के कारण दिखलाई पड़ते हैं, उस क्रिया के कारण दिखलाई पड़ते हैं। जैसे हमको ये बल्ब दिखलाई पड़ रहा, लाइट दिखलाई पड़ रही, तो हमारे समझ में अपने आप आ जाता है कि कहीं पावर हाउस है या जनरेटर है, उस पावर हाउस से लाइट आ रही है, जनरेटर से लाइट आ रही है, तभी तो जल रहा है। ऐसे ही सूर्य भगवान को जब देखेंगे हम, तो जैसे बल्ब को देख करके हमें समझ में आ जाता है कि कहीं पावर हाउस है, ऐसे सूर्य भगवान को देखने पर अपने आप भक्त हाथ जोड़ लेते हैं कि प्रभु ये तो आपकी एक छोटी सी लाइट है, आप कैसे हो गए पता नहीं, आप कैसे हो गए हम क्या जान पाए, आपकी तो अनंत महिमा है। हर जगह में छोटी से बड़ी वस्तु में भक्त भगवान का दर्शन करता रहता है, तो अपने जीवन को भावनात्मक संबंध युक्त बना करके साधना मय बनाएं, और गुरु के प्रति महान श्रद्धा रखें, भगवान के प्रति महान श्रद्धा रखें, तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो टाइम बेकार चला जाएगा और हम लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसलिए सावधानी के साथ प्रभु की भक्ति करिए। अब भगवान का भोग लग रहा है और 2-3 मिनट रह गए, आरती ठाकुर जी का जन्म का समय हो गया।